हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन देखेंगे। हमारा लास्ट वीडियो रहेगा एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। द फैक्ट दैट आफ्टर बी वॉज रॉब्ड सी सेड इन एस प्रेजेंस द पोलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द मैन हु रॉब्ड बी एंड दैट इमीजिएटली आफ्टरवर्ड्स ए रैन अवे आर रिलीवेंट फैक्ट। ये सेक्शन 8 में दिया गया है। क्वेश्चन था कि ए ने बी को लूटा या नहीं। फैक्ट ये है कि जैसे ही बी को लूटा गया, बी वॉज रॉब्ड, सी सेड इन एस प्रेजेंस, सी ने कहा ए के प्रेजेंस में कि पुलिस आ रही है जिसने बी को लूटा उसको दूर पकड़ने के लिए। तो उस जैसे ही ए ने ये सुना वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ, तो इसलिए ये रिलेवेंट रहेगा सेक्शन 8 के अंडर। नेक्स्ट, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम। द फैक्ट दैट ए एब्सकॉन्डेड आफ्टर रिसीविंग लेटर वार्निंग हिम दैट इंक्वायरी वॉज बींग मेड फॉर द क्रिमिनल एंड कंटेंट्स ऑफ द लेटर आर रिलेवेंट अंडर, ये सेक्शन 8 में रहेगा। इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन ये था कि ए ने कोई क्राइम किया है कि या नहीं, और फैक्ट ये है कि ए भाग गया जैसे ही उसको एक लेटर मिला वार्निंग का, उसमें लिखा था कि उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी, तो ये रिलेवेंट फैक्ट रहेगा सेक्शन 8 में। नेक्स्ट, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इश्यू आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 7। ये सेक्शन 7 में फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इश्यू आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर, ये सेक्शन 6 में दिया गया। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6 में। दिस एक्ट में बी कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। द फोरगोइंग सेंटेंस में बी टर्म्ड एज शॉर्ट टाइटल, ये जो सेंटेंस है ये शॉर्ट टाइटल में दिया गया है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये शॉर्ट टाइटल में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सूज फॉर अ लाइबल कंटेंट इन अ लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डेंस लेटर्स बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लाइबल अरोज एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द करस्पॉन्डेंस इन विच इट इज कंटेंट आर रिलेवेंट फैक्ट्स दो दे डू नॉट कंटेन द लाइबल इट सेल्फ अंडर, तो ये सेक्शन 6 में आया है। सेक्शन 6 में कहा गया है ए सूज फॉर लाइबल कंटेंट इन अ लेटर, लेटर में जो कुछ है उसके लिए ए ने केस किया, पार्ट ऑफ करस्पॉन्डेंस लेटर बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लाइबल अरोज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द करस्पॉन्डेंस, तो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है इसलिए सेक्शन 6 में आएगा। ए सूज फॉर लाइबल कंटेंट इन द लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डेंस लेटर्स बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लाइबल अरोज एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द करस्पॉन्डेंस इन विच इट इज कंटेंट आर रिलेवेंट फैक्ट्स दो दे डू नॉट कंटेन द लाइबल इटसेल्फ, सेक्शन 6 में है। द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी। द फैक्ट द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स एस्क्राइब्ड टू पॉइजन एंड द हैबिट ऑफ बी नोन टू ए विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन आर रिलेवेंट फैक्ट, सेक्शन 7 में दिया गया है। ए ने द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी, क्वेश्चन यह था कि ए ने बी को पॉइजन दिया कि नहीं, और फैक्ट ये द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स एस्क्राइब टू पॉइजन एंड हैबिट ऑफ बी नोन टू, तो स्टेट हेल्थ की कंडीशन बी की ए को पता थी पॉइजन के पहले की, और उसके बाद में बी की हैबिट भी ए को पता थी जिसकी वजह से उसके पास अपॉर्चुनिटी थी बी को पॉइजन देने की, ये सेक्शन 7 में दिया गया। ए सूज बी अपॉन बॉन्ड फॉर पेमेंट ऑफ मनी, बी डिनाइज द मेकिंग ऑफ बॉन्ड। द फैक्ट डैट एट द टाइम वेन द बॉन्ड वॉज एलिज टू बी मेड बी रिक्वायर्ड मनी फॉर द पर्टिकुलर पर्पज इज रिलीवेंट, ये सेक्शन 8 में दिया गया है। ए ने बी के ऊपर केस किया था कि कोई बॉन्ड के ऊपर से जो पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड थे, बी ने डिनाई किया कि बॉन्ड ऐसा कुछ नहीं बना था, फैक्ट ये था कि जब बॉन्ड बनाया गया तब बी को पैसे की जरूरत थी कुछ कारण के लिए, तो ये सेक्शन 8 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 शैल नॉट अप्लाई टू, तो बोथ ए और बी दोनों को अप्लाई नहीं होता है। एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर इसको अप्लाई नहीं होता है, और दूसरा प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर इसको भी एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर इन दोनों को एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। द कंटेम्पोरेनियस टेप रिकॉर्ड इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 8 इफ, तो ये ऑल ऑफ दिस आंसर रहेगा। द कन्वर्सेशन इज रिलेवेंट टू द मैटर इन इशू, देयर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वॉइस, द एक्यूरेसी ऑफ द टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन इज प्रूव्ड बाय एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इरेजिंग द टेप रिकॉर्ड, ये तीनों चाहिए। कंटेम्पोरेनियस टेप जिससे जिस वक्त क्राइम हुआ था या कुछ हुआ था उसी वक्त का टेप रिकॉर्ड, ये एडमिसिबल रहेगा सेक्शन 8 के अंदर। तो कंडीशन ये है कि कन्वर्सेशन रिलेवेंट टू द मैटर इन इशू, मैटर से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा,
वॉइस का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, तीसरा द एक्यूरेसी ऑफ द टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन इज प्रूव्ड बाय एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इरेजिंग द टेप रिकॉर्ड, तो प्रूव होना चाहिए कि वो सही है टेप, ये सारे चीज़ें होनी चाहिए, आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद इंटेंशन of causing his death, which of the following facts are in issue of A's trial, ये सारे के सारे करेक्ट है, A's beating B with the club, ये fact in issue है, A's causing B's death by such beating, और तीसरा A's intention to cause B's death, ये all of this करेक्ट है, A ने try किया था B को murder करने के लिए, A is tried for the murder of B by beating him with a club, ए का केस चलो है बी के मर्डर के लिए, बी का मर्डर हुआ है उसको मारने बीटिंग करने से, उसको पीटा है क्लब से, और इंटेंशन क्या था उसकी डेथ का, तो इसमें से सारे जो फैक्ट है वो तीनों के तीनों फैक्ट इन इशू रहेंगे, पहला है एज बीटिंग विथ बी विथ द क्लब, ये वाला फैक्ट इन इशू रहेगा, दूसरा एज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, ए की वजह से बी की डेथ हुई है बीटिंग की वजह से, एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, ए का इंटेंशन भी बी की डेथ का था, तो ये ऑल ऑफ दिस करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट अंडर एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, द वर्ड कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, वर्ड कंडक्ट, कंडक्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता है, पहला स्टेटमेंट अनलेस दोज स्टेटमेंट अकम्पनाय एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट्स बट द एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रिलीवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, तो कंडक्ट में क्या इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होंगे, कब, अनलेस दो स्टेटमेंट अकम्पनाय एंड एक्सप्लेन एक्ट अदर देन स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट्स अनलेस जब तक वो स्टेटमेंट जो है अकम्पनाय एंड एक्सप्लेन एक्ट एक्ट के साथ में रिलेटेड ना हो या एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, अदर देन द स्टेटमेंट बट द एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रिलीवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, ये कंडक्ट के बारे में यहाँ पर डेफिनेशन दी गई कौन सा लागू नहीं होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट करेक्ट अंडर एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, द वर्ड कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, वर्ड कंडक्ट क्या इंक्लूड नहीं करता, स्टेटमेंट्स अनलेस जब तक दो स्टेटमेंट्स अकम्पनाय एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट्स बट द एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रिलीवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शूटर डज नॉट बीइंग विथ हिम, अ शूटर डज नॉट ब्रिंग विथ हिम एंड हैव इन रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस अ बॉन्ड ऑन विच ही रिलाइज, सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 5 में, सेक्शन 5 में दिया गया है कि एक शूटर है वो उसके साथ में उसके बॉन्ड लेके नहीं आता जिसके ऊपर वो रिलाय करता है, तो ऐसे केस में डज नॉट एनेबल हिम टू प्रोड्यूस द बॉन्ड और प्रूव इट्स कंटेंट एट सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स अदरवाइज दैन ऑन कंडीशन प्रिस्क्राइब अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो उसको अलाउ नहीं करेगा, एनेबल नहीं करेगा टू प्रोड्यूस द बॉन्ड, बॉन्ड प्रोड्यूस करने के और या प्रूव करना है कंटेंट, वो बॉन्ड के अंदर जो कंटेंट है वो प्रूव करने के लिए उसको सब्सिक्वेंट स्टेज में उसको चांस नहीं मिलेगा प्रूविंग के लिए जब तक अदरवाइज देन ऑन कंडीशन प्रिस्क्राइब अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर के कोड में जो कंडीशन दिए उस हिसाब से, तो एक शूटर है, अ शूटर डज नॉट ब्रिंग विथ हिम एंड हैव इन रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस अ बॉन्ड ऑन विच ही रिलाइज, वो अपने साथ फर्स्ट हियरिंग में बॉन्ड लेके नहीं आता जिसके ऊपर वो रिलाय केस लड़ने वाला है, तो ऐसे केस में सेक्शन 5 में दिया गया है इसके बारे में, तो उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं सबसिक्वेंट हियरिंग में वो बॉन्ड लाने के लिए या प्रूव करने के लिए, तो आंसर रहेगा बी, डज नॉट एनेबल हिम टू प्रोड्यूस द बॉन्ड और प्रूव इट्स कंटेंट एट सबसिक्वेंट स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स अदरवाइज देन ऑन कंडीशंस प्रिस्क्राइब अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। नेक्स्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट इसको अप्लाई होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी ड्यूरिंग ट्रायल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलीवेंट फैक्ट, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस रिलीवेंट रहेंगे, कोई भी रिलीवेंट नहीं रहेंगे, नॉट रिलीवेंट बोले क्योंकि ये सारे के सारे रिलीवेंट है, दैट ए मर्डर सी एंड दिस वॉज नोन टू बी, ये रिलीवेंट है, बी हैज ट्राइड टू एक्सट्रॉट मनी फ्रॉम ए थ्रेटनिंग टू मेक दिस नॉलेज टू पब्लिक, बी ने धमकी दी ए को कि वो ये बात सबको बता देगा, और बोथ ए एंड बी अबव ये दोनों के दोनों रिलीवेंट है लेकिन हमें नॉट रिलीवेंट पूछा इसलिए आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मेक्स रिलेवेंट द फैक्ट विच शो द एग्जिस्टेंस ऑफ, ये यहाँ पे बोथ ए एंड बी आंसर आएगा, स्टेट ऑफ माइंड एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग, सेक्शन 14 में एविडेंस एक्ट के
मेक्स रिलीवेंट द फैक्ट्स विच शो द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स, ये भी रिलीवेंट रहेंगे, बोथ ए एंड बी आंसर रहेगा सेक्शन 14 के हिसाब से. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अ फैक्ट विच इज एडमिटेड बाय पार्टीज और द एजेंट नीड नॉट बी प्रूव्ड. तो जो फैक्ट पार्टीज या एजेंट ने मान ली है वो प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सब गलत है. अ फैक्ट विच इज एडमिटेड बाय द पार्टीज और द एजेंट नीड नॉट बी प्रूव्ड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट कैनॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस. तो बोथ ए एंड बी, डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं कर सकते. तो आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स कैनॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस. आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी, डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एविडेंस. सेकेंडरी एविडेंस दोनों रहेंगे फोटो कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी ये सेकेंडरी एविडेंस हो गया. दूसरा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये भी सेकेंडरी एविडेंस हो गया. सर्टिफाइड कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की भी सेकेंडरी एविडेंस हो गया. तो आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछा गया. ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय पर्सन इज प्राइमरी एविडेंस और ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन बाय पर्सन इज अ सेकेंडरी एविडेंस. तो ये भी आंसर रहेगा ओरल अकाउंट इज सेकेंडरी एविडेंस हो गया. ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय पर्सन इज सेकेंडरी एविडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स दैट सेकेंडरी एविडेंस मे बी एडमिसिबल. तो बोथ ए, व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल हैज बीन एडमिटेड बाय द पार्टी. ओरिजिनल का एडमिट किया गया है पार्टी द्वारा, तो और व्हेन द ओरिजिनल इज डिस्ट्रॉयड और लॉस, या फिर ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गए लॉस्ट हो गए, दोनों केस में इंडियन सेकेंडरी एविडेंस को मान्यता मिल जाएगी. पहला व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल हैज बीन एडमिटेड बाय द पार्टी, दूसरा व्हेन द ओरिजिनल इज डिस्ट्रॉयड और लॉस. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ डॉक्यूमेंट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट इट कैनॉट बी प्रूव्ड बाय फाइलिंग सर्टिफाइड कॉपी. अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो सर्टिफाइड कॉपी से प्रूव नहीं कर सकते उसको. इफ अ डॉक्यूमेंट इज अ पब्लिक कॉपी इट कैन बी प्रूव कर सकते. इफ अ डॉक्यूमेंट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट इट कैन बी प्रूव्ड बाय फाइलिंग सर्टिफाइड कॉपीज. पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो सर्टिफाइड कॉपी से प्रूव कर सकते उसे. अ डॉक्यूमेंट इज प्रिज्यूम टू बी जेन्युइन इफ इट इज 30 ईयर्स ओल्ड. 30 साल तक अगर रहा है तो वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट माना जाता है. 30 साल पुराना अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे जेन्युइन डॉक्यूमेंट माना जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉट इज रेफर्ड टू एज कंप्यूटर आउटपुट अंडर सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज करेक्ट. स्टेटमेंट यहाँ पर दिए तीन, उनमें से कौन से स्टेटमेंट बराबर है 65B के अनुसार कंप्यूटर आउटपुट के हिसाब से. तो पहला है इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन अ कंप्यूटर विच इज प्रिंटेड ऑन अ पेपर, ये करेक्ट है. इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन है और वो प्रिंटर पेपर के ऊपर प्रिंट की गई है. दूसरा स्टेटमेंट, इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन कंप्यूटर विच इज स्टोर्ड इन ऑप्टिकल मीडिया, ऑप्टिकल मीडिया में स्टोर की है एक कंप्यूटर के अंदर में जो इन्फॉर्मेशन है वो, ये भी करेक्ट है. तीसरा, इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर दैट कैनॉट बी व्यूड बट द रेगुलर ऑपरेटर रिमेंबर्स, ये रॉन्ग है. रिमेंबरिंग्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. तो स्टेटमेंट वन और टू करेक्ट रहेंगे. एक कंप्यूटर के अंदर में जो प्रिंटेड पेपर, प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर के ऊपर प्रिंट की है कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन, दूसरी ऑप्टिकल मीडिया में स्टोर की है, ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है. और लास्ट क्वेश्चन, फॉर कंडक्ट टू बी रिलीवेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट इट मे बी आइदर प्रीवियस और सब्सिक्वेंट. सेक्शन 8 में कंडक्ट एक तो प्रीवियस होना चाहिए या सब्सिक्वेंट होना चाहिए. तो फॉर कंडक्ट टू बी रिलीवेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट इट मे बी आइदर प्रीवियस और सब्सिक्वेंट. तो ये थे हमारे एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन. आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन लेके जाएंगे. तब तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए. मिलती है नेक्स्ट वीडियो में.